आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सस्रे अकाल। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। देखी हमारी हिम्मत, जो लोग हमें डरपोक कहते थे, चैलेंज करते थे, वो सामने आए और करें हमारी गुलामी, उन्हें पेश किया जाए। अभी तो तुमको पता चलेगा क्या है आटे दाल का भाव, अपनी करनी का फल भोगो, माफी वापी भूल जाओ। दोस्तों, मेरा एक शेर सुनिए। क्या उल्टी गंगा बहती है, क्या बेसुर बजता बाजा है। अरे क्या उल्टी गंगा बहती है, क्या बेसुर बजता बाजा है, जो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं वो राजा है। दोस्तों, मैंने अपना ये शेर आपको इसलिए सुनाया क्योंकि आज जिस अदाकारा की मैं बात कर रही हूँ उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो हॉलीवुड की अदाकारा थी लेकिन बॉलीवुड में आ गई और यहाँ भी कई फिल्मों में काम किया उन्होंने, और वो हैं बेहद हसीन और खूबसूरत ज़ाहिरा। अरे कहीं ये आग हम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से इतना दूर ना कर दे कि हम फिर किसी पवित्र अग्नि के गिर्द सात फेरों के लिए तरसते रह जाएं। ज़ाहिरा का जन्म एक पंजाबी मुसलमान खानदान में हुआ था। वो बहुत छोटी सी थी तो उनका पूरा खानदान लंदन शिफ्ट हो गया और ज़ाहिरा की पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। बड़े होने के साथ साथ वो इंडियन कम और वेस्टर्न ज़्यादा नज़र आती थी। एक्टिंग करने का शौक उन्हें बचपन से था और उन्हें मौका भी मिल गया। 1969 में उनकी पहली फिल्म आई थी और वो एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक हिंदुस्तानी लड़की का रोल अदा किया था। Going away, presents. He's a count himself. In appreciation. It is more fun to open them all together. एक बार देवानंद की मुलाकात हुई ज़ाहिरा से लंदन में और देवानंद 1971 में एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म का नाम था गैम्बलर। बड़ी लंबी चौड़ी कास्ट थी उस फिल्म की। उसमें मैंने भी काम किया था और ज़ाहिरा ने भी। आज पापा को जीतने का मौका दो ताकि जोजी का केस लड़ने के लिए अदालत का खर्चा उठाया जा सके। मैं जो को जीतने का आज पूरा मौका दूंगा जोजी। गैम्बलर तो हिट हो गई लेकिन बेचारी ज़ाहिरा को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी ज़ाहिरा ने कई छोटी मोटी फिल्में साइन कर ली। 1974 में ज़ाहिरा की एक और फिल्म आई बहसियत हीरोइन और उस फिल्म में उनका बहुत ही बोल्ड रोल था और फिल्म का नाम था कॉल गर्ल। तो सुनो, तुम्हें मिलने से पहले मैं ये थी, एक कॉल गर्ल, वो लड़की जिसे कोई भी अमीर और शौकीन आदमी सिर्फ एक टेलीफोन करके बुला सकता है अपनी हवस मिटाने के लिए। में ज़ाहिरा की एक और फिल्म आई बहसियत हीरोइन और उनके साथ हीरो थे राजेश खन्ना, डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी और उस फिल्म का नाम था नौकरी। आज हम सचमुच सड़क पर आ गए हैं। तब तो मुझे और भी तुम्हारे पास रहना होगा रंजीत। आज मुझसे अमीर है कौन, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और अगर कोई मुझे गरीब बना सकता है तो तुम। बोलो, क्या यही चाहते हो? प्यार हमने ही ना कह दिया,
लेकिन अफसोस कि इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इसलिए ज़ायरा ने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जब उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलना कम हो गया तो उन्होंने रीजनल फिल्म साइन कर ली। इज्जत की कोई कीमत नहीं होनी कुमार साहब। और थोड़े पैसे में प्यार कर दिया ने। मैं तो प्यार ही नहीं थोड़ी पूजा की है, मरते दम तक करती रहूंगी। लेकिन अफसोस कि उन्हें रीजनल भाषाओं की फिल्मों में भी काम नहीं मिला, इसलिए बैक टू पवेलियन वो वापस लंदन चली गई और आजकल वहीं रहती हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।